हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रदीप प्रजापत, वेलकम टू मल्टीपल आइडियाज़ चैनल। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियोस में कंट्रोल से रिलेटेड सारी कीज़ कंप्लीट कर ली थी। आज हम उसके आगे की अल्टर से रिलेटेड शॉर्टकट कीज़ लेके आए हैं। आज हम इन शॉर्टकट कीज़ का यूज़ देखेंगे फ्रेंड्स। अल्टर F1, अल्टर F2, अल्टर F4 और अल्टर F8 का यूज़ हम आज देखेंगे। इसके लिए अल्टर F1, फ्रेंड्स अल्टर का शॉर्ट फॉर्म है ALT, जो कि कीबोर्ड पर ALT के फॉर्म में लिखा होता है फ्रेंड्स। अब हम अल्टर प्लस F1 का यूज़ देखेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका यूज़ किस लिए करते हैं। तो अल्टर F1 का यूज़ इंसर्ट चार्ट के लिए करते हैं फ्रेंड्स। अगर हम वर्ड एक्सेल में कुछ भी वर्क करते हैं, सपोज़ मैं आपको एक्सेल का बता देता हूँ फ्रेंड्स। ये हमारे पास एक एक्सेल शीट ओपन है, हम यहाँ पर प्रेस करते हैं अल्टर F1। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके सामने कुछ इस टाइप की विंडो कुछ ओपन हुई है फ्रेंड्स। ये चार्ट इंसर्ट करने के लिए हुई है। आप यहाँ से कुछ भी एडिट कर सकते हो, यहाँ पर जो ऑप्शन भी दिख रहे हैं आपको, इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ लिख सकते हो या कुछ भी चार्ट वगैरह बना सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल, सॉरी अल्टर F2। अल्टर F2 का यूज़ हम सेव एज के लिए करते हैं फ्रेंड्स। हमें फाइल में जाकर फिर सेव एज करना पड़ता है, तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना नहीं होगा। जैसे कि पहले हम जाएंगे फाइल में, फिर करेंगे सेव एज, ऐसा कुछ नहीं करना होगा। डायरेक्टली हमें यहाँ पर अल्टर F2 प्रेस करना होगा। आप देख सकते हो कि डायरेक्टली सेव का ऑप्शन आ गया है। अब आप किस नाम से सेव करना चाहते हो वो नाम यहाँ पर टाइप कर दीजिए और सेव कर दीजिए, और फिर डायरेक्टली ये सेव हो जाती है फ्रेंड्स। हमें इसके लिए ना ही फाइल फोल्डर में जाकर कहीं पर सेव करने का ऑप्शन नहीं करना होता फ्रेंड्स, डायरेक्टली ये सेव हो जाता है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट की है अल्टर F4। फ्रेंड्स अल्टर F4 का यूज़ हम किसी भी फाइल से बाहर आने के लिए करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक्सेल है, अब हम इससे बाहर आते हैं अभी, तो अल्टर F4 प्रेस करेंगे। अब देख सकते हो कि फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्टली वो बोल रहा है कि आपको सेव करके बाहर आना है ये फाइल या बिना सेव करे आनी है। तो आपको अगर सेव करना है फाइल को तो आप सेव कर दीजिए, तो ये सेव होके आपकी फाइल सेव हो जाएगी और आप इस फाइल से बाहर भी आ जाओगे। और अगर आपको सेव नहीं करनी है तो आप डोंट सेव पर क्लिक कर दीजिए, तो आपकी फाइल जो रहेगी वो सेव नहीं होगी और आप डायरेक्टली इससे बाहर आ जाओगे। क्लियर फ्रेंड्स। तो अभी हम करते हैं कैंसिल, क्योंकि हमें ना ही इसको अभी क्लोज नहीं करना है फाइल को। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है अल्टर F8। अल्टर F8 का यूज़ क्यों करते हैं फ्रेंड्स? हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में मैक्रो 4.0 की कुछ शीट्स ओपन करना देखा था, कंट्रोल का जो यूज़ कर रहे थे हम तब। तो फ्रेंड्स आज हम अल्टर F8 का यूज़ बताने जा रहे हैं, जो कि मैक्रो की टूल्स सीट जैसे कि ओपन होती है, हम ओपन करके बता देते हैं अल्टर F8। देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कुछ भी अभी टाइप कर रखा है फाइल का नाम, तो यहाँ पर आप जो भी फाइल का नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। सपोज कुछ भी फाइल दिया, यहाँ पर देखिए आप क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। क्रिएट करने का फ्रेंड्स मैक्रो होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स। मैक्रो एक कमांड के थ्रू फाइल्स बनती हैं फ्रेंड्स। जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ भी फाइल्स बनाते हैं, तो अभी हम शीट के फॉर्म में बनाते हैं यहाँ पर, तो मैक्रो में कमांड के फॉर्म में बनती है फाइल्स, उसे मैक्रो कहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जैसे अल्टर F8 प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर जो भी मैक्रो के टूल्स ओपन हो जाएंगे। तो आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप, या एडिट करनी है आपको मैक्रो टूल्स बनाना है, यहाँ पर ऑप्शन भी है, या डिलीट करनी है, तो आप यहाँ से सारे ऑप्शन देख सकते हैं। इसके सारे टूल्स ओपन हो चुके हैं मैक्रो के डायरेक्टली। यहाँ पर हम अभी एक्सेल की जो शीट है वो देख रहे हैं, ये यहाँ पर है, और यहाँ पर मैक्रो का फोल्डर ओपन, जबकि हमने शीट एक्सेल की शीट ओपन कर रही है, लेकिन फोल्डर जो टूल्स बार है वो काय का ओपन हो गया यहाँ पर, मैक्रो का। फ्रेंड्स यही यूज़ है अल्टर F8 का। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।